टेक्नोलॉजी के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और टिप्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें डीटेक चैनल को और साथ ही नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाले किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। एक वेबसाइट आखिर होती क्या है, बात करेंगे इस बारे में। तो देखा जाए तो सबसे पहले आप चेक करिए, किसी भी वेबसाइट में जाइए, गूगल खोल दीजिए, फेसबुक खोल दीजिए, कुछ भी, किसी भी खाली जगह पर आप माउस में राइट क्लिक कीजिए और पेज सोर्स आप अगर क्लिक करेंगे, वहाँ पे एक बटन होता है, राइट क्लिक करके पेज सोर्स में क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो खुलेगा और वहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे कोड होंगे, बहुत बहुत ज़्यादा कोड होंगे। एक नॉर्मल सी गूगल में अगर आप सर्च करेंगे तो देखेंगे कुछ खतरनाक तरह के कोड यहाँ पर होते हैं। असल में यही जो कोड लिखा हुआ होता है, बहुत सारे ब्रैकेट के अंदर कुछ संख्या है, कुछ कोड है, कुछ अक्षर हैं, असलियत में ये सब कुछ ही असल में एक वेब पेज होता है, वेब की सोर्स होती है। इस कोडिंग से ही उस एक पेज को दर्शाया जाता है। बिल्कुल ही एक आप ऐसे ही देख सकते हैं, शुरुआत में आप HTML देखेंगे कोड के अंदर, HTML उसके अंदर HTML, CSS, जावा, बहुत सारी स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है। इस कोडिंग के थ्रू ही एक पिक्चर बनाया जाता है जो कि आपको दिखता है जिस भी वेबसाइट में आप जाते हैं, आपकी ब्राउज़र में, आपके ब्राउज़र में कोड ही सिर्फ डाउनलोड होता है, मतलब कोड ही हर बार आता है और आपको एक पेज दिखाया जाता है जहाँ पर आप अपने काम कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एक वेबसाइट क्या होता है, मतलब एक कोड क्या होता है जिसके थ्रू हम एक अच्छी सी वेबसाइट बनाएंगे। और वे वर्डप्रेस जो होता है, ब्लॉगर, यह सब एक टूल है जो कि इन कोडिंग करना, देखिए कोडिंग करना तो इतना आसान नहीं है, मुश्किल है। तो वर्डप्रेस क्या करता है कि आपकी नॉर्मल सी टेक्स्ट को या नॉर्मल सी इमेजेस को खुद कोड में कन्वर्ट कर लेता है, इसीलिए तो उसको बनाया गया है, वर्डप्रेस कहा गया है कि आप, ये एक टूल है जो कि आपकी कोडिंग को इजी कर लेता है। सिंपल टेक्स्ट में आप लिखेंगे, स्पेस देंगे तो भी कोड में कन्वर्ट कर देगा। तो यही सिंपल सी फंडा है, यही सिंपल सी बात है जो कि वर्डप्रेस, गूगल, ब्लॉगर ये सब करते हैं। आपकी इमेजेस को कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं, आपकी टेक्स्ट को, और जैसे कि आप कोडिंग में सीखेंगे कि जानेंगे, बाद में भी जानेंगे कि एक स्पेस जो होता है उसमें भी कोड लगता है। एक नॉर्मल सी टेक्स्ट में भी कोडिंग की तरह होती है, एक इमेजेस भी कोडिंग की तरह होती है, वैसे ही ये टूल है वर्डप्रेस, ब्लॉग, ये सारे टूल हैं जो कि आपको मदद करते हैं कोडिंग करने में। हम यूज ही इसलिए करते हैं कि हमें मुश्किल कोडिंग ना करना पड़े। तो चलिए, आप जान चुके होंगे कि एक वेबसाइट क्या होता है, तो हम धीरे धीरे सीखेंगे कैसे हम एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो थैंक यू, आपने मुझे सुना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले वीडियोस के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।